हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल योगिताज गार्डनिंग। आज मैं आपको अपने एस्टर के प्लांट्स दिखाऊंगी। ये देखिए कई कलर्स में है ना, सुंदर और ब्राइट कलर्स हैं। ये देखिए, ये डेजी के जैसे फ्लावर वाला प्लांट है जो कि पेरिनियल होता है, लेकिन इसकी फ्लावरिंग अभी विंटर में ही स्टार्ट होती है। ये कई कलर्स में आता है, जैसे कि वाइट देख रहे होंगे आप, लाइट पर्पल, पिंक और ये थोड़ा डार्क पर्पल, और भी कई कलर्स आते हैं। मेरे पास अभी इतने ही हैं और अभी इसमें देखिए फ्लावरिंग नहीं हुई है, तो पता चलेगा अभी कौन सा कलर है। ये अच्छी यदि केयर हो तो ये 6 से 8 फीट तक ऊँचे पौधे हो सकते हैं इसके, और इसमें बहुत सारी फ्लावरिंग होगी। फिर आप इसे इजीली बीजों से प्रोपोगेट कर सकते हैं। ये यहाँ पर इसके बीच में जब ये फ्लावर सूख जाता है तो इसके बीच में यहाँ छोटे छोटे बीज होते हैं, जिससे कि आप इसे प्रोपोगेट कर सकते हैं। इसे आप फुल्ली सनलाइट में रखिए, डायरेक्ट जहाँ सनलाइट आती हो। यदि ऐसा पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट 5 से 7 आवर्स जहाँ सनलाइट आती हो ऐसी जगह में इसे रखिए, और इसकी मिट्टी वेल ड्रेन हो, और आप उसे पानी तभी दें जब पूरा ये सूख जाए इसकी मिट्टी। सॉइल में आप इसकी गार्डन सॉइल लीजिए 50% और 50% कंपोस्ट लीजिए, गोबर की खाद, और फिर आप इसके प्लांट्स को लगाइए। इस फ्रेंड्स, इसके फ्लावर्स बहुत अट्रैक्ट करते हैं बीज और बटरफ्लाइज को, तो जब आप इसके फ्लावर्स लगाते हैं आपके इसके प्लांट अपने गार्डन में, तो आप देखेंगे कि आपके गार्डन में बहुत सारी बटरफ्लाइज आती हैं, और आपको फिर उसको उन्हें देख कर बहुत अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगता हो, मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस और आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। बाय बाय।